सो हेलो गाइज, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल द रोड बर्नर्स। मैं हूं मयंक और आज एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है बिकॉज ऑलमोस्ट एक साल बाद एक रोड ट्रिप पे जा रहा हूं। यहां लॉकडाउन वगैरह ख़त्म हुआ है तो फाइनली एक रोड ट्रिप प्लान हुई है और ये रोड ट्रिप मैं अकेला या दो तीन जने नहीं जा रहे हैं, ये अपना पूरा मेरठ बाइकर्स क्लब जा रहा है। और अभी सुबह के बज रहे हैं 4:30, तो कुछ राइडर्स आ चुके हैं और अभी हमें आरके फिलिंग स्टेशन कंकरखेड़ा, जो कि है हमारे एडमिन साहब का, ठीक है, निर्माण भाई का, अगर आपको आना है कंकरखेड़ा में, यहीं पे आरके फिलिंग स्टेशन, और बाइक्स पेट्रोल डलाने के लिए रेडी हो चुकी हैं, यहीं से अपना टंकी फुल करा के निकलेंगे, तो बाकी राइडर्स का भी वेट है। और जी एक चीज़ फाइनली बता देते हैं कि इस पेट्रोल पंप पे कोई लोचा नहीं मिलने वाला आपको, क्योंकि होता ही नहीं है, यहाँ नहीं मिलेगा पेट्रोल, पूरा मिलेगा प्योर फॉर श्योर। प्लेम का हमने पंप लगाया है आप ही लोगों के लिए, एसेंशियल सर्विसेज आप लोगों के लिए हमने स्टार्ट कर दी है, जिसका टाइम है 5:15 से रात को 10 बजे तक। बेहिचक आकर आप कभी भी आकर टेस्ट कराइए, क्वांटिटी क्वालिटी जैसे आप कहेंगे हम टेस्ट करा के देंगे आपके सेटिस्फैक्शन के लिए। हाँ ये कर लो पहले। तो गाइस अब लगभग 230 किलोमीटर बाद हमने ब्रेक लिया है, इससे पहले फ्यूल ब्रेक लिए थे 2-3, बट प्रॉपर रेस्ट अब कर रहे हैं, मतलब थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह किया है। तो अभी हम पंजाब में हैं कहीं, एग्जैक्ट मुझे जगह नहीं पता, और यहाँ से जो हमारा पहला स्टॉप है वो है पराशर लेक, वो यहाँ से 270 किलोमीटर है। तो अब ये हमने लगभग 220 किलोमीटर तो प्लेन्स में था कर लिया, इसके बाद जब हिल्स शुरू होंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, थोड़ी डिफ़िकल्टी भी होगी। आते हुए ज़्यादा मैंने एक्शन कैम से फुटेज रिकॉर्ड नहीं की बिकॉज प्लेन्स दिखाने का कोई मतलब नहीं बनता यार, नॉर्मल जब कुछ अच्छे व्यूज़ आएंगे वहाँ पर मैं रिकॉर्ड करके ज़रूर दिखाऊँगा। तो सब लोग ब्रेकफास्ट कर चुके हैं, अपनी बाइक सब यहाँ पे खड़ी हुई है। तो अब तक की जो रोड्स थी ना, बहुत अच्छी रोड्स मिली हैं, जो मेरठ से मुजफ्फरनगर से होते हुए यमुनानगर वाला रास्ता है उस रास्ते से हम आए, करनाल वाला रास्ता हमने नहीं लिया क्योंकि बहुत टूटा हुआ था। राइड में कैसा मजा आ रहा है गाइस, बताओ कैसा रास्ता था? खूब बगा रखी है सबने, खूब बगा रखी है, मज़े में, बहुत प्यारा हाईवे है अब तक, बढ़िया मजा आ रहा है। सबसे पीछे चल रहा है, मयंक सबसे पीछे चल रहा है, मयंक की बाइक भागती नहीं है। भैया ये बड़े बाइक वाले डोमिनार वाले, डोमिनार वाले 160 भगा रहे हैं, 160 शर्मा जी तो मुझसे आगे थे यार, तू कह रहा है 160 भगा रखी है, मैं तो 260 पे था, 260 मैं 360 पे था। तो गाइस हमने अभी थोड़ी देर पहले बद्दी एक टाउन है वो क्रॉस किया है, जो कि शायद हिमाचल प्रदेश का पहला ही टाउन था। तो हिली एरिया अब शुरू हो गया है, प्रॉपर हिल्स वाला रास्ता नहीं है, रास्ता बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा हाईवे, अच्छे से आराम से 80 की स्पीड मेंटेन हो सकती है, 80 प्लस भी, बट वही है ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए, हल्के हल्के कर्व में अभी। और सामने बहुत प्यारे माउंटेन्स मुझे दिख रहे हैं, शायद आपको नहीं दिख पा रहे हो कैमरा में क्योंकि वो पूरे फॉग से कवर्ड हैं। ओह माय गॉड, टूरू लव, ओह माय गॉड टूरू लव। जरा तक का रास्ता देखो, बढ़िया था, बीच में थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिला टाउन में, आप बद्दी में था उससे पहले पंचकुला में था, बट मुझे तो मजा आ रहा है यार, बढ़िया रोड है, थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिलता ही है।
गाइस अब हमने लिया है लंच ब्रेक और हम रुके हैं बिलासपुर। तो यहाँ से जो हमारा पहला स्टॉप है पराशर लेक, वो लगभग 160 किलोमीटर है। अभी तक अच्छा जा रहा है, बस रोड यार उतनी मज़ेदार नहीं है, नहीं मज़ा आ रहा, थोड़े गड्ढे भी हैं रोड्स में। बट यार यहाँ पे जो रुके ना, बहुत प्यारी जगह है और पीछे व्यू आए हाय, वो प्यारी लेक है या रिवर है क्या है, बट बहुत प्यारा नज़ारा आ रहा है। और अब धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी है, अब तक थर्मल लाइनर के साथ जैकेट में गर्मी लग रही थी, बट अब उसके बिना काम नहीं चलेगा, ठंड लगने लगी है थोड़ी थोड़ी और आगे आगे जाके और लगेगी। तो एक्सपेक्टेड टाइम यार जिस हिसाब से अगर कैलकुलेशन की जाए 160 किलोमीटर अराउंड 6 घंटे तो लगेंगे मिनिमम, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि रोड ऐसी नहीं है कि हम ज़्यादा स्पीड मेंटेन कर सकें और बीच में एक दो ब्रेक भी लेना पड़ेगा, फ्यूल ब्रेक लेंगे। तो यार आज की राइडिंग कंप्लीट हो गई है, आज जितना चलाना था चला ली, आज लगभग 480 किलोमीटर हमने चलाई है टोटल में। और अभी यहाँ पर हम आगे रुके हैं मुनीश रिजॉर्ट, ये है मंडी में। तो सोचा था पराशर लेके जाएंगे, बट यार लेट हो गए, रास्ते में कुछ दिक्कतें आई, किसी की बाइक में कुछ प्रॉब्लम थी, तो उस वजह से थोड़ा डिले हो गया और फाइनली हम मंडी पहुँच गए हैं। कल का जो भी होगा वो कल डिसाइड करेंगे, फिलहाल तो बस रेस्ट करने का मन है, सुबह से बाइक पर बैठे हुए हैं, कमर की ऐसी तैसी हो चुकी है।